अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है उम्मीद है कि सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोरियन स्किन केयर के थ्री इजी स्टेप्स और आपको पता है कि जब हम कोरियन की बात करते हैं ना तो हमारे माइंड में साथ ही आता है यार कितनी उनकी फ्लॉलेस स्किन होती है कितनी ग्लोई स्किन होती है और आजकल का जो दौर है आजकल हर कोई बंदा चाहता है कि हमारा कलर ब्राइट हो जाए हमारी स्किन जो है वो उसके ऊपर से पिगमेंटेशन कम हो जाए अगर एक्नी है तो एक्नी ख़त्म हो जाए उसके स्पॉट्स ख़त्म हो जाएँ लेकिन दूसरी तरफ जो कोरियन के प्रोडक्ट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता चले जी अब मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ अपनी वीडियो ये वीडियो बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ है और आसान स्टेप्स का सिर्फ यही मतलब है कि ताकि इसको हर बंदा जरूर ट्राई करे क्योंकि ये उन चीज़ों के साथ बनाई गई है जो हर घर में मौजूद होती हैं बेसिकली इसके लिए हमें सबसे पहले राइस चाहिए राइस क्या काम करता है हमारे स्किन पे राइस बेसिकली हमारी स्किन को कोजिक एसिड की तरह काम करता है जो हमारे स्किन को ब्राइट करता है पिगमेंटेशन को कम करता है ब्लैक स्पॉट्स अगर आपकी स्किन पर है उनको रिड्यूस करता है और हमारे स्किन टोन को भी इवन करता है इसके अलावा आप मैं बताती चलूँ कि कोरियन अपनी स्किन केयर में राइस का बेहद यूज करते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही तीन आसान स्टेप्स सबसे पहला स्टेप होगा हमारा एक्सफोलिएशन का सेकेंड स्टेप होगा हमारा टोनिंग का और थर्ड स्टेप है हमारा मॉइस्चराइजिंग का अब बात कर लेते हैं जनाब हमें एक्सफोलिएशन यानी क्लेंजिंग के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा उसके लिए चावलों का आटा अब आप उस चावलों का आटा आप चाहें तो आप घर में भी चावलों को ग्राइंड कर लेते कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप बाहर से भी इसको परचेज कर सकते हैं लेकिन इसके लिए एक खास चीज़ का ख्याल रखना वो है वो ये कि आपको चावलों का आटा जो चाहिए होगा ना वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए वो यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हों वो अगर मोटे होंगे तो वो आपकी स्किन को हार्श कर सकते हैं इसलिए वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए अगर उसमें छोटे छोटे स्क्रबिंग जैसे पार्ट आते भी हैं तो वो बेस्ट हैं क्योंकि उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी सिक्स वोलिएट हो जाएगी उसके साथ हमें चाहिए इसमें रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध दो से तीन चम्मच इसमें ऐड करूँगी उसके साथ हमें चाहिए इसमें हनी हनी का वन टेबल स्पून चाहिए होगा चले जी अब इन सब चीज़ों को हम बाउल में डाल के मिक्स कर लेते हैं यहाँ मैंने ले लिया है एक अदद बाउल और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टू टेबल स्पून राइस फ्लोर के राइस फ्लोर के मैं दो चम्मच इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ेस और नेक दोनों पर अप्लाई करना होता है आप भी जब भी जब भी आप इस पर अप्लाई करें तो आप फेस और नेक दोनों पे अप्लाई किया करें क्योंकि नेक भी तो हमारी ही है ना उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रॉ मिल्क रॉ मिल्क के मैंने ऐड किए थे दो से तीन चम्मच और अब इसके अंदर मैं इसमें ऐड करूँगी एक चम्मच हनी का हनी बेस्ट हाइड्रेशन प्रोवाइडर मेरी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको फेस पर अप्लाई करूँगी और दो दो से तीन मिनट का मैं इसको रब करूँगी अपने फेस के ऊपर लेकिन ज़्यादा आपने हार्डली नहीं करना मैं दोबारा कह रही हूँ आपने बहुत हाथ हल्का नरम हाथ रख के करना है और फिर उसके बाद में आपने इसको पाँच मिनट के लिए छोड़ देना है पाँच मिनट के बाद नॉर्मल पानी के साथ अपना फ़ेस वॉश कर लें अब आ जाते हैं स्टेप नंबर टू की तरफ जो है टोनिंग का टोनर के लिए हमें चाहिए हाफ कप चावलों में मैंने पानी डाल के रात को ही भिगो के रख दिए थे क्योंकि मुझे ओवरनाइट नाइट भिगे हुए चावल चाहिए थे अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप या अगर आपको याद नहीं रहता ना तो आप इनको दो घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं उसके बाद आप किसी भी साफ बॉटल जो स्प्रे वाली हो उसमें आप इसको ऐड कर दें और टोनर रेडी इस टोनर से मैं खुद अब मैं हैरान हूँ कि ये सिर्फ़ एक टोनर है लेकिन ये, ये मैजिकली वर्क करता है इसने मेरी स्किन के ऊपर जितने भी पोर्स ओपन हो रहे थे ना जो मेरे टी जोन एरिया में थे वो उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है बाकी कहते हैं कि ये एंटी एजिंग के लिए भी वर्क करता है रिंकल्स के लिए भी वर्क करता है वो तो अब यूज़ करते करते आगे जाके मुझे मजीद पता चलता जाएगा अभी मुझे पर्सनली यूज़ करते हुए इसको वन मंथ हो चुका हुआ है अब आ जाते हैं स्टेप नंबर थ्री की तरफ जो हमारा है मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल मैं यहाँ और योर की यूज़ करी हूँ आपके पास जो भी कोई अवेलेबल है मार्केट से आपने लिया है कोई भी अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ मैंने इसमें यूज़ करना है राइस वाटर आपने इस मिक्सचर को अपने हथेली के ऊपर ही मिक्स करना है और उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है यहाँ मैंने ले लिए हैं एक से दो पम्प एलोवेरा जेल के और उसके ऊपर मैं स्प्रे करी हूँ राइस वाटर का और इसको मैं अपने हाथ के ऊपर ही रब करते हुए अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी ये थी जी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आई एम सो मच एक्साइटेड बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें इस पर कमेंट भी कर दें ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है उसको भी प्लीज़ प्रेस, प्रेस कर लें एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो दुआ में याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफि